ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सेना ने विशेष अभियान छेड़ रखा है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ की यह घटना पुलवामा जिले के हाकिरीपुरा की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त दल गश्ती करने निकला था। सैन्य बलों के संयुक्त गश्ती दल हाकिरीपुरा के समीप पहुंचा था कि आतंकियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलवामा में हुई ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में एक दिन के भीतर हुई मुठभेड़ की दूसरी घटना है। पुलवामा से पहले शोपिया जिले के मेलहोरा इलाके में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। 19 अक्टूबर की शाम से शुरू हुई मुठभेड़ 20 अक्टूबर तक जारी रही। शोपिया में भी 2 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना पर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद किया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक तरफ घाटी में आतंकियों के सहारे पाकिस्तान परेशानी खड़ी करना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पार बैठे करीब 300 आतंकियों को वो भारत में घुसपैठ कराने की जुगत में लगा हुआ है। हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये खबर निकाली है कि पाकिस्तान में जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बीच बैठक हुई है बकायदा, और उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ISI चीफ, इन लोगों ने बैठकर चर्चा की है कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में फिर से टेरर एक्टिविटीज कर सके, क्योंकि अनुच्छेद 370 ये निकालने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कड़ी सुरक्षा है, कम्युनिकेशन ठप हो गया है। पाकिस्तान वरना बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकता था जम्मू कश्मीर में, अभी वो बंद है, और टेरर एक्टिविटीज जो है वो भी काफी कम हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान अब इस कोशिश में है कि हमारा वजूद कैसे रहेगा। तो इनका वजूद तो सिर्फ टेरर फैलाने का ही है। तो इन लोगों ने मीटिंग की है, और ये भी खबर है कि जो कम्युनिकेशन जो भारत की सरकार ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करने के बाद जो कम्युनिकेशन को हमने एक प्रकार से तोड़ा था पाकिस्तान से, उसको ये लोग फिर से कुछ करने की और उसमें साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम होंगी, इसमें हमें ये पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारा देश ये बहुत अलर्ट है। लगता है कि पाकिस्तान कोरोना से लड़ने से ज्यादा वो आतंकवादियों को भारत में भेजना ये ज्यादा जरूरी समझता है। पाकिस्तान को कोई भी चिंता नहीं है कि FATF उनको फंडिंग नहीं कर रहा है, और FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है कि टेरर फंडिंग की वजह से, और इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान फिर से उनके गंदे खेल पर उतर आया है आतंकवादियों को भेजने के लिए। भारत की स्ट्रेटेजी जो है वो पहले से ही तैयार थी। भारत ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस जो है भारत के, वो एब्सोल्युटली पूरे तरह से सजग है, अलर्ट है, और ये सारी जो मिसएडवेंचर होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपने मुंह के बल गिरने वाला है, ये निश्चित। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तेजी से आतंकियों के सफाए को जारी रखा है, उससे पाकिस्तान 300 आतंकी भेजे या 3000, हर किसी का टिकट टू जहन्नुम पहले से ही रिजर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।